गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन थर्ड क्लास ऑफ कंप्यूटर स्टैंडर्ड 9th. डियर स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट परस्पेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन. इट मीन्स बातचीत पर दृष्टिकोण. बच्चों, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं तो कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच होता है, तो उस कम्युनिकेशन पर एक दृष्टिकोण होता है दोनों तरफ से. जो बात करने वाला होता है वो भी अपना बात जो है सोच समझ कर करता है, और बात सुनने वाला है वो सुनकर भी उसका रिप्लाई सोच समझ कर देता है. तो परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन, दृष्टिकोण जो है एक किस हद तक मायने रखता है कम्युनिकेशन में, चलो आज हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन. नाउ लेट अस स्टार्ट. डियर स्टूडेंट, परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन. अ कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव फोकसेस ऑन द वे इन आवर शेयर्ड मीनिंग एंड प्रैक्टिसेस आर कंस्टिट्यूटेड थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल. जो भी हम बातचीत करते हैं तो वो एक लैंग्वेज या सिंबल पर डिपेंड करता है. द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैसेज एंड दियर डिसमिनेशन थ्रू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी. और जो भी हम लोग बातचीत करते हैं तो वो जो है सिर्फ अपने पास ही नहीं रह जाता, वो मीडिया के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी तक भी पहुंचता है. अब रही बात कि प्रस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड दृष्टिकोण किस तरह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी का है उस कम्युनिकेशन पर, और कैसे ये अफेक्ट करता है, कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है. तो बच्चों, द फैक्टर अफेक्टिंग प्रस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशंस आर विजुअल परसेप्शन. और विजुअल परसेप्शन क्या है, सम टाइम वी डू मिस्टेक, कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं इन विजुअल परसेप्शन. लाइक द चार्ट, वी रीड इट द चार्ट बट वी हैव डन मिस्टेक, वी हैव लेफ्ट AR, क्योंकि चार्ट का जो स्पेल होता है CHART इन चार्ट. बट दिस इज एटीट्यूड टुवार्ड समथिंग, लेकिन ये एटीट्यूड्स होता है. आज बहुत सारे फॉर्म जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लैंग्वेज को ताकि सुविधा हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं. तो जब ये समझेंगे नहीं तो ये भी एक विजुअल परसेप्शन भी ये कम्युनिकेशन के नज़र में एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है. लैंग्वेज, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपुल बिकॉज इट मेक्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया इमीडिएट एंड इफेक्ट. लैंग्वेज के थ्रू ही अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के पास एक्सचेंज करते हैं. तो लैंग्वेज एक सिंपल होना चाहिए, और लैंग्वेज बिल्कुल समझने में बिल्कुल सहायक हो. यानी अगर हम वैसा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं जो कि अगला नहीं समझ पाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण हो जाता है कम्युनिकेशन में. पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी इज एन एसेट फॉर ह्यूमन बींग. बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास भी मेमोरी है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर होता रहता है, और उसी पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हम डे बाय डे मैच्योर होते हैं, और मैच्योरिटी हमारा एक समाज में इम्पैक्ट बनाता है. इट स्टोर सो मैनी पास्ट एक्सपीरियंस डेट हेल्प इन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. और धीरे धीरे जो है मेरी कम्युनिकेशन या आप लोगों का कम्युनिकेशन एक डे बाय डे जो है इम्प्रूव होता है, बातचीत करने की तरीका बदलते रहता है. नेक्स्ट, प्री जस्टिसेस. बच्चों, प्री जस्टिसेस ह्यूमन बींग्स ऑप्टेन आर प्री जस्टिस अगेन कल्चर ग्रुप ऑफ पीपुल इंडिविजुअल वैल्यूज etc. बच्चों, ह्यूमन एक के शुरुआत से ही एक ऐसा नेचर है जो किसी भी चीज़ को वो प्रिडिक्ट करता है, या उसके बारे में अनुमान लगाता है, उसको जांच पर जज करता है कि वो कल्चर कैसा है, ग्रुप ऑफ पीपुल कैसे हैं, वो इंडिविजुअल आदमी कैसा है. तो ये भी जो है परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखता है कि वही आदमी से बातचीत कर सकता है जो वैल्यूएबल हो, जिसकी ग्रुप अच्छी हो, जो एक अच्छा समाज में कल्चर बना कर रखता हो, उसकी कल्चर अच्छी हो. फीलिंग डिपेंड ऑन द पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन. बच्चों, परस्पेक्टिव का ये बहुत बड़ा पार्ट है. यानी कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं वो
एक फीलिंग होती है कि वो कम्युनिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप बात करते हैं, अगर उधर से आप रिप्लाई अच्छा आता है तो समझिए कि आप पॉजिटिव आपका कम्युनिकेशन है। अगर कोई नेगेटिव आता है तो आप समझिए कि नेगेटिव है। यानी फीलिंग भी बहुत ज़रूरी है प्रस्पेक्टिव के लिए। द लास्ट पॉइंट इज़ इन्वायरमेंट। बच्चों, इन्वायरमेंट भी एक बहुत बड़ा प्लेयर, यानी इट आल्सो प्लेज वाइटल रोल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन कम्युनिकेशन। इन्वायरमेंट शुड बी सेम बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यानी आप जिस मैटर पर बात करना चाहते हैं तो वो आदमी को भी इस मैटर से इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का दृष्टिकोण जो है सही रहेगा। अगर आप जो बात करना चाहते हैं उसे वो पर्सन रिलेटेड नहीं है या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है तो वो इन्वायरमेंट सही नहीं होता है। तो दीज आर द फैक्टर टू अफेक्ट प्रस्पेक्टिव कम्युनिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज।